जर्नी वीडियो के बाद ऐसा लग रहा है दोस्तों, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। किसमें आया है बदलाव? वो बदलाव आया है दोस्तों वोटिंग ट्रेंड में। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिसकी सबसे बेहतरीन जर्नी वीडियो थी वो अब आगे आ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल डेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल बोस। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, मिलिए वहां पर। तो दोस्तों, यहां पर बात करते हैं नन अदर देन बिग बॉस के फिनाले की वोटिंग को लेकर। भैया, वोटिंग 2 बजे तक, और वो भी संडे को, यानी कि 12 बजे तक, जो 12 तारीख को 2 बजे तक ओपन है। तो आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो एमपी स्टैन हो, चाहे वो अर्चना हो, चाहे वो अपनी शिव हो, या फिर नन अदर देन शालीन हो, तो आप इनको कर सकते हैं आसानी से। अब दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो यहां पर चीजें बदली हैं। चीजें क्या बदली हैं? चीजें बदली हैं वीडियो की वजह से। जी हाँ, जॉइनी वीडियो जो दिखी है उससे फैंस को और भी ज्यादा जोश मिला है, और फैंस ने भर भर के वोटिंग शुरू कर दी है और भी ज्यादा। इस वक्त की जॉइनी वीडियो में शिव ठाकरे आगे आ चुके हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो लास्ट पोजीशन पे यानी कि शालीन भानोट है। जी हाँ दोस्तों, शालीन भानोट लास्ट में है। शालीन भानोट जो है वो लास्ट में ही बने हुए हैं, और शालीन भानोट जो है कंसिस्टेंट है उस पोजीशन पे। वहीं उनके एक ऊपर बात करें, अर्चना आ गई है। पहले शालीन और अर्चना बराबर थे, या फिर थोड़ा सा 19 थोड़ा सा 20 थे, लेकिन अब शालीन भानोट जो है दोस्तों वो जो है वो काफी पीछे हो गए, और अर्चना काफी आगे आ गए। मतलब कि अगर शालीन भानोट 5 है तो अर्चना जो है 10 पे आ चुकी है, या फिर 12 पे आ चुकी है, तो काफी आगे बढ़ चुकी है। अब दोस्तों, थर्ड पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर शिव ठाकरे कुंडली मार के बैठे हुए थे। शिव ठाकरे के फैंस ने दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करी, बट लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जर्नी वीडियो देखकर शिव को एमसी स्टैन के फैंस भी जो है सपोर्ट करने लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, शिव ठाकरे की जर्नी वीडियो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही ज्यादा। और वो मतलब शिव का जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स यू नो एंग्री यंग मैन से कॉमन मैन का, तो वो साफ दिखा है। मतलब कि कॉमन मैन कह सकते हैं, फैमिली मैन का वो साफ दिखा है। तो उसकी वजह से जो है काफी उनको वोटिंग में हेल्प मिली है। थर्ड पोजीशन वाले शिव ठाकरे अब सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं, और आपको बताना चाहता हूं तो एमसी स्टैन जो है वो थर्ड पे चले गए हैं। ये सबसे बड़ा वोटिंग में झोला आया है दोस्तों, जहां पे एमसी स्टैन पीछे हो गए हैं और शिव ठाकरे काफी आगे हो गए हैं। तो एमसी स्टैन की फैंस, कृपया करके अपनी कुर्सी की पेटी बांधिए और फटाफट वोट करना शुरू कर दीजिए। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक और आधा दिन बचा है। अब इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, तो नंबर 1 पर बैठी हुई हैं और कोई नहीं बल्कि प्रियंका चाहर चौधरी, जिनको जो है सलमान साहब ने बात बोला है कि प्रियंका तुम बाहर आओ, तुमसे जो है बात करनी है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं, और बने रहें चैनल के साथ। देखते रहें आपका फेवरेट चैनल डेली खजाना। बाय बाय।